A very good morning, students. Welcome to the EVS class. Today we are going to learn new chapter, Being Safe. Please open page number 72, chapter 14, Being Safe. Being safe का मीनिंग होता है सुरक्षित रहना. Recite the poem and enjoy. हमें क्या करना है यहाँ पर poem को सुनना है, सुनाना है और enjoy करना है. Twinkle, twinkle, traffic light, on the corner shining bright. Red means stop and green means go. Yellow means go very slow. यहाँ पर क्या दिए गए हैं? Traffic lights के rules दिए गए हैं. Red का means क्या होता है? Stop. और green का means होता है go. Yellow का means होता है go very slow. जो traffic light होते हैं बहुत टिमटिमाते रहते हैं, कभी red, कभी yellow, कभी ग्रीन, इस तरह से वर्ड टिमटिमाते रहते हैं. और इसका मीनिंग होता है, रेड का मतलब होता है रुक जाओ, ग्रीन का मतलब है आगे बढ़ो, येलो का मीन्स होता है गो वेरी स्लो यानी धीरे से चलो. ओके स्टूडेंट्स, सेफ्टी मीन्स बीइंग सेफ फ्रॉम हार्म. देयर आर सम रूल्स फॉर सेफ्टी. वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. दे हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. वी मस्ट फॉलो दिस रूल्स एट स्कूल, रोड, होम एंड प्ले. सुरक्षा का मतलब है नुकसान से सुरक्षित रहना. यहाँ पर सेफ्टी के कुछ रूल्स दिए गए हैं, हमें उस रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है. जब हम सेफ्टी रूल्स का फॉलो करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हमारी मदद करते हैं किसी भी दुर्घटना होने से बचने में. हमारी कौन मदद करता है? सेफ्टी रूल्स. जब हम सेफ्टी रूल्स का फॉलो करते हैं तो वह हमें किसी भी दुर्घटना से बचने में हमारी मदद करते हैं. स्टे सेफ एट होम. हमें घर पर किस तरह से सेफ रहना है, आइए हम उनके बारे में रीड कर लेते हैं. डू नॉट प्ले विथ फायर एंड शार्प ऑब्जेक्ट. हमें किसके साथ नहीं खेलना है घर पर? हमें जो फायर होती है, आग होती है जैसे रेगुलेटर, इसके साथ नहीं खेलना है. जो शार्प ऑब्जेक्ट, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि नाइफ, सीजर, ये सारे साफ जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब नुकीली चीज़ें, इनसे हमें घर पर नहीं खेलना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, प्लग एंड वायर्स. हमें किससे दूर रहना है? हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो होते हैं उनसे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स से दूर रहना है. जो प्लग्स होते हैं और जो वायर्स होते हैं उनसे हमें दूर रहना है. क्लाइम अप एंड डाउन द स्टेयर्स स्लोली. हमें क्या करना है? जो सीढ़ियां हैं उससे धीरे से चलना है, धीरे से चढ़ना है और धीरे से उतरना है. ओके स्टूडेंट्स, नेवर पुट कॉइन्स इन योर माउथ. हमें कभी भी अपने मुंह में कॉइन्स यानी सिक्के को नहीं डालना है. डू नॉट स्पील वाटर ऑन द फ्लोर. हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी फ्लोर पर पानी नहीं गिराना चाहिए, नहीं छलकाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. अगर आपको चोट लग जाती है तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे? आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन पेज नंबर 73, सेफ्टी एट प्ले. खेलते समय हमारी सुरक्षा, खेलते समय सुरक्षा. डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस. हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए? हमें टेरेस पर नहीं, छत पर नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस एंड वायर्स. हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए? हमें किसके पास नहीं खेलना चाहिए? हमें कटीली झाड़ियों और जो तार्स होते हैं, जो तार होते हैं उनके पास नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग. खेलते समय हमें दूसरों को ढकेलना या खींचना नहीं चाहिए. डू नॉट क्लाइम द फेंस. हमें किस पर से कूदना नहीं चाहिए? हमें जो छत होते, जो ग्रिल होता है वहाँ से हमें कूदना नहीं चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सेफ्टी ऑन रोड. सड़क पर सुरक्षा. ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. जो सड़क पर हमारी सुरक्षा किस तरह से होगी? सेफ्टी ऑन रोड पर, सेफ्टी ऑन रोड. हम हमारी सड़क पर सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें
ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स, हमें हमेशा जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स के रूल होते हैं, उसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें किस पर से चलना चाहिए, हमें फुटपाथ यानी जो फुटपाथ होती है उस पे से चलना चाहिए। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, दोनों तरफ हमें देखना चाहिए। जब हम क्रॉस करते हैं रोड तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड, हमें किस पर नहीं दौड़ना चाहिए, हमें रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें क्रॉस रोड क्रॉस करते समय हमें कहाँ से रोड क्रॉस करना है, जेब्रा जो क्रॉसिंग होता है वहाँ से हमें रोड क्रॉस करना है। नेवर गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स, गाड़ी चलते वक्त, व्हीकल चलते वक्त हमें अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप है वहाँ पर हमें कैसे खड़े रहना चाहिए, हमें क्यू यानी लाइन बनाकर लाइन से खड़े रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टुडे चैप्टर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, वट एवर आई टोल्ड इन दिस ऑडियो, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड डू योर असाइनमेंट विच आई एम गिविंग विद दिस ऑडियो। थैंक यू।